ये रिज़ल्ट है उस फेशियल का जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 3-4 डेज़ के बाद, जो स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आया है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन से 3-4 दिन पहले ही हमें इस फेशियल को ट्राई करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेज ब्यूटी जोन। तो आज मैं रिव्यू लेकर आई हूँ एक गोल्ड फेशियल किट का, जो कि रूप मंत्रा की तरफ से है गोल्ड फेशियल किट। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि कुछ मंथ्स पहले, ऑलमोस्ट 5 to 6 months पहले, समर्स में मैंने एक फेशियल किट शेयर की थी आपके साथ। वो थी रूप मंत्रा की तरफ से फ्रूट फेशियल किट। बहुत ही अच्छी फेशियल किट थी ये। ये देखो, सारी ही किट जो है खत्म हो चुकी है, सारे प्रोडक्ट इसके खत्म हो चुके हैं। अगर मैं पूरे खोल के दिखाऊंगी तो काफी टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैंने एक ही जो इसका जेल था वो मैंने ये खोल के रखा था कि सारी किट मैं खत्म कर चुकी हूँ। बहुत ही अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं बहुत सारी तरह के फेशियल मैं ट्राई कर चुकी हूँ, सभी फेशियल अच्छे होते हैं। O3+, शेरल, रूप मंत्रा, ओरिफ्लेम, काया फेशियल जो है बहुत अच्छे फेशियल होते हैं, और ये रूप मंत्रा भी बहुत अच्छा फेशियल है। बहुत सारे जो फेशियल मैं करवाती रहती हूँ, तो ये 5-6 months से मैंने ये ही किट यूज की थी। अगर मुझे पसंद ना होती तो शायद मैं एक बार करके इसको साइड में रख देती। अगर मैंने 5-6 months इसको यूज किया है तो इसका मतलब इसमें कुछ है। तो आज मैं करूंगी रूप मंत्रा गोल्ड फेशियल किट का रिव्यू। इसमें इन्होंने लिखा है, इसका जो इफेक्ट है आपने वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि 2-3 डेज बाद जो है कितना ग्लो मेरी स्किन पे आया है। और इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इसमें स्वर्ण भस्मा है, जो कि हमारी स्किन को लस्टर प्रोवाइड करती है, शाइन करती है स्किन, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। वो तो हर फेशियल से, मसाज से जो है अपनी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ये फेशियल किट जो है आपके कम्प्लेक्शन को लाइट करती है, डेफिनेटली आपके कम्प्लेक्शन को लाइट करती है। हर तरह की गंदगी जो है अंदर से पूरी तरह से निकल जाती है और आपका फेस बहुत अच्छे तरीके से निखर के बाहर आता है। इसमें जो है 5 steps दिए हुए हैं, ब्लीच इसमें प्रोवाइड नहीं की है। जो लोग जो है ब्लीच करते हैं फेशियल से पहले, तो उनको ब्लीच अलग से खरीदनी पड़ेगी। इसमें 5 steps जो है दिए गए हैं, जो कि पहले फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग मिल्क, ठीक है, और सेकंड स्टेप है फेस स्क्रब, हम स्क्रब करते हैं। उसके बाद जेल है, जेल बेस्ड जो फेशियल होते हैं आपको पता है कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसमें जेल प्रोवाइड की है, जेल में जो है ऐसी है इसकी जेल, उसमें लगता है कि मे बी थोड़ी जो है स्वर्ण भस्मा एड की हो, क्योंकि स्वर्ण जो सोना है बहुत ही कॉस्टली है, 42,000 per 10 gram के आसपास है उसका प्राइस। तो अगर 250 में अगर हमें गोल्ड मिल रहा है तो थोड़ी डाउट होता है, लेकिन मुझे हमेशा प्रोडक्ट के इफेक्ट से लेना देना होता है कि वो प्रोडक्ट जो है कैसा इफेक्ट आपकी स्किन पे डालता है। तो उसका जो 4th step है वो है फेस पैक। इसकी क्रीम मसाज से पहले ही फेस पैक जो है दिया जाता है, वो अप्लाई करना होता है। उसके बाद जो है क्रीम अप्लाई करनी होती है। इसका ये भी फायदा हो जाता है, जो भी नरिशमेंट होती है वो आपके स्किन के अंदर ही रह जाती है 24 आवर्स तक, जो कि ज्यादा इफेक्ट देती है आपको, आपके स्किन के ग्लो के लिए और आपके स्किन के टेक्सचर के लिए। इस फेशियल किट में 15-15 ग्राम का हर स्टेप का मटेरियल जो है प्रोवाइड किया गया है। इससे ऑलमोस्ट 3 फेशियल जो है एक फेशियल किट से निकल जाएंगे, अगर हर मंथ किया जाए तो 3 months जो है 250 rupees में, 250 rupees में 3 months निकल जाएंगे। अगर 15 days के बाद करते हैं तो जो है 1.5 months, यानी 3 facial इसमें से निकल सकते हैं। 15-15 gram की जो है इसमें मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, और इसका जो रिजल्ट है वो आपको 2-3 days के बाद, जो ग्लो है वो 2-3 days के बाद ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्किन की क्लीनलीनेस है वो हर स्टेप के बाद वो इमीडिएट देखने को मिलती है। तो चलिए अब मैं शेयर करती हूँ स्टेप बाय स्टेप जो है फेशियल आपके साथ, कि कैसा इफेक्ट, ताकि आपको दिख सके कि हर स्टेप के बाद कैसा इफेक्ट जो है स्किन पे आता है। फेशियल में जैसे कि सबसे पहला स्टेप क्लींजिंग मिल्क होता है, जो कि पहले स्किन को क्लीन करना होता है। अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है क्लींजिंग मिल्क, और ये अपने फेस पे जितना अमाउंट चाहिए फेस के अकॉर्डिंग
जो है अपने फेस पे और नेक पे अच्छी तरह अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में इसको मसाज करनी है 2 से 3 मिनट तक। किट के बैक साइड पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है और कितने मिनट तक करना है। सारी इन्फॉर्मेशन किट की बैक साइड पे प्रोवाइड की गई है। और इसके जो क्लिंजिंग मिल्क है इसमें है स्वर्ण भस्मा, हल्दी, चंदन एंड ककम्बर, जो कि हमारी स्किन को क्लीन करते हैं, सारी डस्ट और डर्ट को अच्छी तरह रिमूव कर देते हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव कर देते हैं और जिससे हमारी जो स्किन है सॉफ्ट स्मूद हो जाती है और क्लीन फिनिश आ जाती है स्किन पे। स्किन क्लीन करने के बाद आप जो देख सकते हैं कि फेस मेरा कितना ज़्यादा वो क्लीन हो गया है, रिज़ल्ट जो है आपके सामने है। सेकेंड स्टेप अब नेक्स्ट करेंगे जो कि होता है फेस स्क्रब, जिससे हम डेड जो कि फेस की डेड स्किन जो है, डेड सेल्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह रिमूव हो जाते हैं। इसमें भी स्क्रब में वॉलनट्स है, कुकम्बर एंड आमंड्स हैं जो कि जेंटली हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, सारे डेड सेल्स रिमूव हो जाते हैं। अपने फेस पे और नेक पे अच्छी तरह अप्लाई करके सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में इसको अच्छी तरह मसाज करनी है 5 से 10 मिनट तक। और उसके बाद जो है स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, जो कि आप देख सकते हैं लाइव मेरे फेस पे, जो कि ये डेड सेल्स वगैरह सारे रिमूव हो गए हैं और स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। अब जो थर्ड स्टेप है वो है मसाज जेल, जो कि अंदर से ऐसे येलोइश कलर की चमकती हुई मसाज जेल दिखाई देती है। फेस और नेक पे अच्छी तरह अप्लाई करके वही सर्कुलर मोशन में 5 से 10 मिनट तक इसको जो है मसाज करना है। इसमें जो जेल है इसमें गोल्ड भस्म है, सूदिंग सैंडलवुड है और जो रूप मंत्रा की जो गोल्ड मसाज जेल है ये हमारी स्किन को लाइट और ब्राइट करती है, डेफिनेटली लाइट और ब्राइट करती है, पिगमेंटेशन को कम करती है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। आप देख सकते हैं स्किन पे जो है विद इन 5 to 10 मिनट्स कितना अच्छा ग्लो आया है, स्किन बिल्कुल अच्छी तरह जो है स्मूथ हो गई है, सॉफ्ट हो गई है। सच में आफ्टर 3-4 डेज तो इस फेशियल का रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इस फेशियल किट में नेक्स्ट 4 स्टेप फेस पैक है, क्रीम मसाज से पहले फेस पैक है। फेस पैक में है मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, चंदन एंड मिंट, इसकी वजह से बहुत ही कूलिंग इफेक्ट आता है इसका। ये गोल्ड पैक जो है सनबर्न को ठीक करता है और जो सन टैन है उसको कम कर देता है, स्किन इन्फेक्शन को कम करता है। पैक को जो है वॉश करने के बाद जो है स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन और स्मूथ लग रही है, लाइव रिजल्ट आप देख सकते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट स्टेप है नरिशिंग क्रीम, 5th स्टेप। इसमें जो नरिशिंग क्रीम को वही जैसे हम अपने फेस और नेक पे अप्लाई करके इसका जो है 10 से 15 मिनट तक इसकी मसाज करनी है। और इसमें गोल्ड भस्मा है, सैंडलवुड है, आमंड है, ऑलिव ऑयल है और ये जो क्रीम है आपकी जो स्किन है उसको बहुत ही ज़्यादा नरिश करती है, क्योंकि उसके बाद कोई भी जो है स्टेप नहीं होता है तो क्रीम 24 आवर्स तक जो है आपकी स्किन के अंदर रहती है और स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ रहती है, पूरी नरिश हो जाती है। डेफिनेटली इस जो है किट को ट्राई करना चाहिए एक बार, क्योंकि ये किट मुझे बहुत 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 ही अच्छी लगी। फुल फेशियल के बाद जो है फाइनल रिज़ल्ट ये है, स्किन मेरी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो चुकी है। जो है रिज़ल्ट, मेन रिज़ल्ट जो है 3-4 डेज के बाद ही दिखता है, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। इस प्रोडक्ट के, इस फेशियल किट के जो बाय लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल बटन है उसको हिट करना मस्ट है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।